कर्ष, जिसे हिंदी में हम अभिशाप कहते हैं, नेपाली में श्राप कहते हैं एंड अन्य भाषाओं में भी इसके अलग अलग नाम हैं। अगर तुम हिंदी इतिहास को पढ़ोगे तो तुमको ऐसी कई जगहें मिलेंगी जहाँ पर श्राप का जिक्र है। एंड श्राप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही है हमारे इतिहास की। तो श्राप है क्या? What is curse? क्या ये कोई अस्त्र है या कोई किताब? देखो, इन स्पाइट ऑफ एनी कल्चर, तुम किस रिलीजन से हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि कर्स हर एक रिलीजन में है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर, जो हमारे सेज यानी कि जो ऋषि होते थे, उनको ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो किसी को भी आशीर्वाद या श्राप दे सकते थे, एंड बाय दैट मीन किसी को भी, फिर वो चाहे इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट। एंड अगर एक बार किसी के भी ऊपर वो कर्स आ जाता था, फिर वो चाहे जहाँ भाग ले, चाहे जहाँ चला जाए, वो कर्स उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता था। फिर चाहे उस इंसान की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, कर्स मरने के बाद भी उस इंसान के साथ रहता था। जस्ट लाइक महाभारत का ज्ञान तो कृष्ण को भी था ना, पर क्या वो उस महायुद्ध को रोक पाए थे? सो इन दिस वीडियो हम उनमें से ही कुछ कर्स्ड ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो कि समहाउ हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। एंड मे बी तुमने इनमें से कुछ के बारे में किसी यूट्यूबर से सुना हो, बट बिलीव मी, इस वीडियो के एंड होने के बाद तुम किसी भी इंसान से गिफ्ट लेने या फिर किसी अनजान जगह पर बैठने से पहले 100 बार सोचोगे। एंड मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो सारी लाइट्स ऑफ कर और कमरे में एकदम अकेले बैठ कर देखना, क्योंकि इस बार गर्मी थोड़ा बढ़ने वाली है। द बुक विच गिव्स यू पावर टू कम्युनिकेट विद द बर्ड्स एंड द एनिमल्स, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे किसे लिखा है किसने नहीं, ये आज तक एक रहस्य है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ऋषि गोरखनाथ ने लिखा है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इसको यक्षिणी नीलावंती नामक किसी स्त्री ने लिखा है। खैर, डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि इसको किसने लिखा है किसने नहीं लिखा। द वर्स्ट पार्ट इज कि आज तक इसको जिसने भी पूरा पढ़ा है, वो या तो इतना अमीर बन गया है कि उसके पास पैसे का भंडार लग गया है, या फिर वो पागल हो गया है। लेकिन जिसने भी इसे आधा पढ़ा है या फिर इसका एक कतरा भी पढ़कर छोड़ दिया है, उसकी इतनी ज़्यादा बुरी मौत हुई है कि मरने के बाद उसकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। कहानी में ऐसा लिखा गया है कि इसे जब जब किसी इंसान ने पढ़ने की कोशिश करी है, उसके साथ बहुत ही बुरे बुरे इंसिडेंट होना शुरू हो गए हैं। कहने का तो ये एक बुक है जो कि हमको सिखाती है कि कैसे हम बर्ड्स एंड एनिमल्स से कम्युनिकेट करें, बट ये इतनी ज़्यादा डार्क एंड ग्रूसम बुक है कि इसे जिसने भी पढ़ने की कोशिश करी, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसिडेंट होना शुरू हो गए। कुछ का मानना था कि उनके सपने में कुछ बहुत ही बुरी एंटिटीज आती थी जो उनको डराने की कोशिश करती थी। कुछ थे जो पढ़ते पढ़ते ही बीमार पड़ जाते थे। ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो उनको उस बुक को पढ़ने से रोक रहा है। एंड एक बार अगर तुमने उस बुक को पढ़ना बंद कर दिया या फिर तुमने छोड़ दिया, उसके बाद जो होगा उसके तुम खुद हकदार हो गए। Now you might be thinking कि ये तो कहीं कहाँ ही बातें हैं, ये सारी कहानियाँ हैं, ये सब कुछ झूठ है, मुझे मिले तो मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ। So hold on, क्योंकि इस बुक को समझने के लिए तुमको अध्यात्म का असीम ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जिस बुक को खुद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करके रखा है, वो कोई मजाक तो होगी नहीं। पेंटिंग इज ऑलवेज फन। हम हमेशा अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, अपने जो भी इमेजिनेशन होती हैं, जो भी कुछ हम फील करते हैं, उसको उस कैनवास के अंदर पेंट करते हैं तरह तरह से रंगों को यूज करके। यार, वन थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट इज द इमोशन। इमोशन ही है जो एक पेंटिंग में जान डालता है, वही बताता है कि वो पेंटिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत है या कितनी ज़्यादा डार्क। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इमोशंस इतने ज़्यादा डार्क होते हैं कि वो कुछ ऐसे पेंटिंग्स बना देते हैं जिसको देख के ही किसी इंसान का दिल सहम जाए। तुम इस पेंटिंग को एक बार ध्यान से देखो एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसमें कौन सा पेंट यूज हुआ है। नाउ सम ऑफ यू मे से कि इसमें कोई लेटेक्स पेंट का यूज़ किया गया है, या फिर कुछ लोग बोलोगे कि इसमें एक्रेलिक पेंट यूज हुआ है। बट हेयर यू आर टोटली रॉन्ग माई बॉय, क्योंकि इसमें कोई पेंट का यूज़ ही नहीं हुआ है।
ये पूरी की पूरी पेंटिंग एक ह्यूमन ब्लड से बनाई गई है। सही सुना तुमने, एक ह्यूमन ब्लड से इस पेंटिंग को बनाया गया है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज उस आर्टिस्ट ने अपना खुद का ब्लड मिक्स किया उस पेंटिंग में, टू एक्सप्रेस द पेन, टू एक्सप्रेस द सफरिंग दैट ही वॉज गोइंग थ्रू। इस पेंटिंग को एक बार गौर से देखोगे तुमको इसमें दिखा गया कि इसमें एक इंसान है जिसकी पूरी शरीर से स्किन पील ऑफ हो चुकी है, रेड हो चुकी है। वो इंसान के आंखों में एक बड़ा सा गड्ढा है एंड वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदद मांग रहा है उस जेल से निकलने के लिए। वो रो रहा है मगर वो कैद है उस कैनवस की चार दीवारी में। आई रियली डोंट नो उस समय उस पेंटर के, उस आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस चीज़ से जूझ रहा था, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने के बाद उस आर्टिस्ट ने सुसाइड कर लिया था। एंड ये आर्ट किस आर्टिस्ट ने बनाई थी, उसका क्या नाम था एंड उसने क्यों सुसाइड किया, ये आज भी एक रहस्य है। बट बिलीव मी, ये पेंटिंग जिस जिस ओनर के पास आज तक गई है उनको रात में बहुत ही ज़्यादा ब्लर करने में स्क्रीन सुनाई देती थी। एंड कईयों ने ये क्लेम करा है कि जब वो सुबह उठ के देखते थे तो उनको इस पेंटिंग की आंखों के पास कुछ गीला गीला सा दिखता था, विच यू मे डिपेक्ट लाइक टीयर्स, आंसू। अब ये किस चीज़ में कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, बट एक ऐसी पेंटिंग जिसको किसी इंसान ने अपने ब्लड से बनाया है एंड उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, कुछ तो होगा इस पेंटिंग में। ओके, नाउ दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। ये चेयर है एक थॉमस बसबी नामक इंसान की एंड ऐसा माना जाता है कि इस इंसान की आत्मा इस चेयर में कैद है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जिस इंसान की चेयर थी थॉमस बसबी, वो अपने ज़माने का एक बहुत ही रूथलेस एंड क्रूअल मर्डरर था। उसने बहुत सी जानें ली हैं, ही वाज अ प्योर डेविल। उसे मज़ा आता था लोगों की चीखें सुनने में, लोगों की आंखों में डर, उनकी आंखों में जो जीने की चाह होती थी एंड उस चाह को अपने हाथों से छीनना, उसको इस चीज़ में बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब वो अरेस्ट हुआ, उसे फांसी पर लटकाया जाने वाला था, तब उससे उसके लास्ट विश पूछी गई, जिसमें उसने बोला कि उसे एक आखिरी बार अपने फेवरेट पब में खाना खाना है। उसकी ये लास्ट विश पूरी करी गई, वो पब में गया, उसने पेट भर के खाना खाया एंड टेबल से उठने के बाद उसने एक सेंटेंस बोला, ही सेड, मैं प्रार्थना करता हूँ उस मौत की देवी से कि उस शख्स की तुरंत मौत हो जाए जो हिम्मत करे मेरी चेयर पर बैठने की। एंड आफ्टर दैट उसको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन उसकी मौत के बाद जो मंजर सामने आया, आई डोंट थिंक सो तुम उस चीज़ को भी सुनने के लिए राजी हो। उसकी मौत के बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई, सब लोगों के दिल में चाहत थी उस चेयर को देखने की एंड टोटल 63 लोगों ने इस चेयर को एक्सेप्ट करा। बट यू वॉन्ट बिलीव, उन सारे 63 लोगों की मौत हो गई। मौत कहना बहुत छोटा शब्द होगा, उनकी इतनी बुरी तरीके से मौत हुई कि उनका शरीर शैतान भी देख ले तो उसका रूह कांप जाए। जिसके बाद उसके इस चेयर को यूके के एक म्यूजियम में 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रख दिया गया एंड वो चेयर आज भी वहीं पर पड़ी हुई है एक नए मालिक का इंतज़ार करते हुए। एक और कर्स्ड ऑब्जेक्ट जिसको एक आम इंसान को बिल्कुल भी छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस वेज को तुम एक बार ध्यान से देखो, देखने में ये कितना ही ज़्यादा सुंदर है ना, डेफिनेटली इट इज़। मगर जब तुम इसके बारे में जानोगे, लिटरली तुम्हारी फट के चार हो जाने वाली है। इस वेज को 15th century में एक इटालियन मेडन ने बनाया था अपने पति को अपनी शादी में गिफ्ट करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन उसकी शादी थी उसी रात उस मेडन का किसी ने बहुत बुरी तरीके से गला काट के मर्डर कर दिया था। बारात आ चुकी थी, पूरा घर सजा हुआ था, मगर उस मेडन की लाश उसी के कमरे में पड़ी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, उस मेडन की लाश उसी के कमरे में पड़ी हुई थी एंड वो फेस जो उसने अपने पति को गिफ्ट में देने के लिए बनाया था वो भी उस समय उसी के हाथ में था। खैर मर्डर किसने किया था किसने नहीं ये तो किसी को भी नहीं पता चल पाया। उसकी बॉडी को आगे चल के दफना दिया गया था एंड केस को भी ख़त्म रफा दबा कर दिया गया था, मगर कुछ तो था जो आने वाली पीढ़ी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था।
आने वाली पीढ़ी में जिस जिस इंसान को ये वेस मिला था, जिस जिस इंसान ने इस वेस को ख़रीदा था, उसके लवर की बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से मौत हो जा रही थी। बिलीव मी, वो मौत इतनी ज़्यादा ब्रूटल थी कि उस इंसान की लाश भी कोई इंसान नहीं पहचान सकता था। साल 1988 में इसको मल्टीपल म्यूजियम्स में ऑफर किया गया इस वेस को रखने के लिए, बट सारे ओनर्स ने इसको मना कर दिया था। शायद उनके दिल में एक अनकहा सा डर था जो चीख रहा था कि शायद यही हाल उनके लवर का भी ना हो जाए अगर वो इस वेस को रखें। खैर, जब इस वेस को किसी ने भी नहीं रखा अपने म्यूजियम में, तो इसको एक अनएक्सेसिबल जगह पर दफना दिया गया। यह वेस आज भी उस धरती के किसी अनकहे कोने में दफनाया है और अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम डेयर करोगे इसको अपनाने का? कमेंट्स में ज़रूर बताना। जाते जाते आज का ज्ञान, कहीं ना कहीं हर किसी को अपने कर्मों का डर है, वरना गंगा किनारे भीड़ के बात की। जो इंसान कर्म को समझ लेता है, उसे धर्म समझने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पाप हमेशा विचारों से होता है, शरीर से नहीं। एंड विचार कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। राधे राधे।